अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग ये सीखने वाले हैं गौस पाक के नाम का एक ऐसा वजीफ़ा जिसको पढ़ते पढ़ते अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों को विलायतें अता फरमा दी हैं। प्यारे दोस्तों, गौस पाक के नाम की बेपनाह बरकतें और फ़ायदे हैं। लोग क्या से क्या बन गए, वली बन गए गौस पाक के नाम पढ़ते पढ़ते। प्यारे दोस्तों, आप लोग आज की इस वीडियो में गौस पाक के नाम का एक करिश्माई वजीफ़ा सीखेंगे, तो मेरी आप सभी लोगों से सिर्फ आज यही गुजारिश है, आज आप लोग लाइक करें या ना करें, वीडियो को शेयर करें या ना करें, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर और करिश्माई वजीफ़ा इस वीडियो में सीख जाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिसने भी ये वीडियो पूरा देख लिया वो आज से ही अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को करने का मामूल बना लेगा। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा बेहद मुजर्रब है और लाखों करोड़ों लोगों का आजमाया हुआ है। आप लोग उससे पहले प्यारे दोस्तों एक बात सुन लीजिए, किसी ने क्या खूब कहा है, या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम भर के तो देख। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा कोई आम वजीफ़ा नहीं है। साबिर पाक के वालिद साहब खुद इस नाम के वजीफ़े को 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करते थे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमामो इश्को मोहब्बत ने भी इस वजीफ़े को कसरत से पढ़ा है। और आप लोग ऐसा समझ लें, अल्लाह के बहुत सारे औलिया ये वजीफ़ा पढ़ते रहे हैं। प्यारे दोस्तों, नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, गौस पाक का वो कौन सा नाम है जिसको आपको पढ़ना है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस नाम को आप लोग सिर्फ या शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी पढ़ सकते हैं, बेहतर होगा शयन लिल्लाह भी ज़रूर पढ़ें, यानी कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह। ये नाम आप लोगों को हर रोज़ 111 मरतबा पढ़ना है, यही आपका वजीफ़ा है। अब प्यारे दोस्तों, आप लोग इसके फ़ायदे सुनिए एक एक करके, इंशाल्लाह तबारक व ताला आपका दिल खुश हो जाएगा। नंबर एक, अगर किसी शख्स को कोई मुश्किल पेश आए, ये नाम 111 मरतबा पढ़े। अगर किसी शख्स को मुसीबत पेश आए, ये नाम 111 मरतबा पढ़े। यहाँ तक कि नंबर तीन की फजीलत सुनिए, दुश्मन से ख़तरा हो। नंबर चार, दुश्मन से नुकसान का डर हो। नंबर पाँच, घर में परेशानी आ गई हो। नंबर छः, कारोबार बिगड़ गया हो। नंबर सात, मकसद या फिर हाजतें पूरी ना होती हों। नंबर छः, कर्ज़ हो गया हो, मायूस हो, दुखी हो, परेशान हो। गर्ज़ के ये एक नाम आपके दुनियावी हर ज़रूरत के लिए काफ़ी है। प्यारे दोस्तों, मैं इसकी फजीलत फ़ायदे अगर आपको गिनाने बैठूं तो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैंने आखिर में आपको सिर्फ इतना ही बता दिया कि हर दुनिया की ज़रूरत के लिए ये एक नाम काफ़ी है। इस नाम को आप लोगों को रोज़ाना 111 मरतबा पढ़ते रहना है। अगर आप लोग प्यारे दोस्तों ये वजीफ़ा पढ़ते रहेंगे तो मैं ख़ुद दावे के साथ कहता हूँ, ज़िंदगी आपकी खुशहाल हो जाएगी, पहाड़ को भी कुचलकर आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह तबारक व ताला। इस नाम की बेहद ताकत है, बेहद फ़ायदे हैं। तो प्यारे दोस्तों, दिल से इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें इस वजीफ़े को अपना रूटीन बना लें, एक मामूल बना लें। तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।